अगर आप भी गुरु ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड SIP में इन्वेस्ट की हो और अपना म्यूचुअल फंड SIP इंस्टॉलमेंट विदाउट ऑटो पे करना चाहते हो तो कैसे पे करोगे, पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिससे आप आसानी से म्यूचुअल फंड SIP इंस्टॉलमेंट विदाउट ऑटो पे कर सकते हो। तो अगर अपने चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं किस प्रकार से म्यूचुअल फंड SIP इंस्टॉलमेंट विदाउट ऑटो पे करते हैं गुरु ऐप में। तो गुरु ऐप में म्यूचुअल फंड SIP इंस्टॉलमेंट विदाउट ऑटो पे करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में गुरु ऐप को ओपन कर लेना है और गुरु ऐप ओपन करते समय पिन मांगता है तो पिन डालकर लॉग इन कर लेना है। और जैसे आप गुरु ऐप के होम स्क्रीन पर चले जाते हो तो सबसे पहले आपको नीचे में म्यूचुअल फंड और उसके बाद ऊपर में डैशबोर्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट लेना है। उसके बाद अगर आपका म्यूचुअल फंड SIP इंस्टॉलमेंट पेंडिंग रहता है तो यहाँ पे शो करता है SIP इंस्टॉलमेंट 1.5 से 4 दिन तक लगभग। तो अगर आप अपना म्यूचुअल फंड SIP इंस्टॉलमेंट विदाउट ऑटो पे यहाँ से पे करना चाहते हो तो यहाँ से भी पे कर सकते हो। और अगर आपका ये ऑप्शन नहीं शो करता है तो इसके अलावा आप एक और ऑप्शन है जिससे आप अपना म्यूचुअल फंड SIP इंस्टॉलमेंट विदाउट ऑटो पे कर सकते हो। तो इसके लिए आपको अपने ईमेल आईडी के लोगो पर क्लिक करना है और उसके बाद ऑल ऑर्डर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा ओपन का ऑप्शन। आपका म्यूचुअल फंड SIP इंस्टॉलमेंट पेंडिंग होता है तो ओपन का ऑप्शन शो करता है। तो यहाँ जैसे कि देख पा रहा है यहाँ पर ओपन का ऑप्शन शो कर रहा है और अगर आपका म्यूचुअल फंड SIP इंस्टॉलमेंट पे नहीं होता है तो अनसक्सेसफुल शो करता है और पे हो जाने के बाद यहाँ पर देख पा रहे इस प्रकार से सक्सेसफुल शो करता है ग्रीन कलर का। तो यहाँ पर आप ओपन वाले ऑप्शन क्लिक करके भी अपना म्यूचुअल फंड SIP इंस्टॉलमेंट विदाउट ऑटो पे कर सकते हो। तो यहाँ से ही मैं पे करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं पे वाले ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है तो आप जिस पेमेंट मेथड के द्वारा पेमेंट करना चाहते हो म्यूचुअल फंड SIP इंस्टॉलमेंट विदाउट ऑटो पे उस पेमेंट मेथड को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करता हूँ पेमेंट करने के लिए। और जैसे ही आपका म्यूचुअल फंड SIP इंस्टॉलमेंट सक्सेसफुल पेमेंट हो जाता है तो आपके गुरु ऐप के डैशबोर्ड में शो करने लगता है। तो ये मेरा सक्सेसफुल पेमेंट हो चुका है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो नीचे में म्यूचुअल फंड और ऊपर में डैशबोर्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका ऑर्डर इन प्रोग्रेस में शो करता है म्यूचुअल फंड SIP इंस्टॉलमेंट पेड हो जाने के बाद। तो आपको ऑर्डर इन प्रोग्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर स्टेटस वाले ऑप्शन में बता दिया जाता है कि आपका म्यूचुअल फंड SIP इंस्टॉलमेंट जो पेंडिंग था वो कब पेमेंट किया गया है और टाइमिंग और डेट भी बता दिया जाता है और उसके बाद कब तक आपके म्यूचुअल फंड SIP में इस इंस्टॉलमेंट अमाउंट को ऐड कर दिया जाएगा वो भी डेट यहाँ पे बता दिया जाता है एलोकेशन इन प्रोग्रेस में। तो यहाँ पर एक्सेप्ट बाय 14 से 16 अगस्त 2023 तक बता दिया जा रहा है कि इस डेट के अंदर जो है मेरे अमाउंट जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है इसको म्यूचुअल फंड SIP में ऐड कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से म्यूचुअल फंड SIP इंस्टॉलमेंट को विदाउट ऑटो पे कर सकते हो। और आपका म्यूचुअल फंड SIP इंस्टॉलमेंट विदाउट ऑटो पे हुआ या नहीं आप यहां पे चेक भी कर सकते हो ऑर्डर डिटेल्स में। तो इस प्रकार से आप आसानी से म्यूचुअल फंड SIP इंस्टॉलमेंट विदाउट ऑटो पे कर सकते हो। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपका मन में कोई कन्फ्यूजन क्वेश्चन है किस प्रकार से म्यूचुअल फंड SIP इंस्टॉलमेंट विदाउट ऑटो पे करें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ। तब तक टेक केयर।